हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं बीसीओसी 136 एलिमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। तो उसको पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी शरण की हो, नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप हमसे नोट्स परचेस कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, बहुत ही सस्ते प्राइस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। एग्जाम्स की डेट्स भी नजदीक आ गई है, तो फटाफट आकर के अपने ऑर्डर को परचेस कर लीजिए, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना पड़ेगा हमारे नंबर पे, जो कि है 8101065300। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, प्लस आपको आपके वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमसे वहां पे डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द नोट्स, जो कि बहुत ही सस्ते दाम पे अवेलेबल है। और अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर को फटाफट प्लेस कर दीजिए, बिकॉज डेट्स ज्यादा बचे नहीं है, राइट? तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नोट्स का ही एक कॉपी है, ये 136 बीसीओसी 136 का ये नोट है, एलिमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स का ये नोट है, और इसी के ऊपर हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं। नाउ तो दोनों में डिफरेंस हमें पता करना है। तो असेसमेंट ईयर का मतलब मैं अगर इन जनरल आपको समझाना चाहूँ तो असेसमेंट का मतलब होता है एक तरीके से असेस करना, किसी चीज का हिसाब करना, ठीक है ना? तो हिसाब अगर हम इस अभी कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका जो काम है वो पहले हुआ होगा, राइट? अगर मैं अभी हिसाब कर रहा हूँ इसका मतलब वो चीज पहले हुई है, तभी तो मैं अभी हिसाब कर रहा हूँ, है ना? सिंपल सी बात है। तो एक होता है असेसमेंट ईयर, मतलब जिस साल हम असेसमेंट करेंगे उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, और जिस साल का हम असेसमेंट करते हैं उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। फॉर श्योर, जैसे कि 2022 अभी चल रहा है, 2022 में मैं अगर असेसमेंट करूंगा तो 2021 का करूंगा ना, सिंपल सी बात है। 22 का तो मैं कर नहीं सकता, बिकॉज 22 तो अभी चल ही रहा है, साल तो अभी खत्म नहीं हुआ, राइट? तो असेसमेंट ईयर वो हो गया। प्रीवियस ईयर का मतलब असेसमेंट ईयर के पिछले साल वाला जो साल होगा उसको हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, है ना? तो ये तो इन जनरल मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि बुक्स में क्या लिखा हुआ और बुक्स के अकॉर्डिंग आपको क्या समझना है, ठीक है? चलिए फिर देख लेते हैं। सो असेसमेंट ईयर इज डिफाइंड इन सेक्शन 29 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1st अप्रैल ऑफ ईच ईयर एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च नेक्स्ट। असेसमेंट ईयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या होता है? ये 12 महीने का एक पीरियड होता है जो कि 1st ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31st ऑफ मार्च तक चलता है। फॉर एग्जांपल द करंट सेशन इज 2021, है ना? ये थोड़ा सा बुक्स आपका पुराना है तो बुक के अकॉर्डिंग ये मैंने नोट्स को तैयार करा है। आप जब एग्जाम में आंसर लिखोगे तो आपको 2021 नहीं लिखना, आपको 2022-23 लिखना है। ये जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है ये 2022-23 का चल रहा है, एक 31st मार्च के बाद 2022-23 स्टार्ट हो गया है, ठीक है? और 31st मार्च के पहले क्या चल रहा था? 21-22 चल रहा था। तो करंट असेसमेंट ईयर है 2022-23 व्हिच कमेंसेस इन 1st अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ है और 23 में जाकर के खत्म होगा, ठीक है? तो ये हमारा असेसमेंट ईयर है। मैंने डेट्स चेंज करे हैं ताकि आपको समझ में आए। फिर भी अगर आपको डाउट होता है आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ओवर फोन भी इसको समझा दूंगा, ठीक है? इट इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच द असेसमेंट टेक्स प्लेस एंड एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन द असेसमेंट ईयर ऑन द इनकम टैक्स वॉज अर्नड बाई हिम इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है? तो ये फाइनेंशियल ईयर होता है, एक साल का जो समय होता है मार्च अप्रैल से लेकर के मार्च तक का, उसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, राइट? तो उस फाइनेंशियल ईयर में जो कि आपका असेसमेंट ईयर है, आप ये पता करने की कोशिश करते हो कि जो आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था जिसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, उसमें आपके कितने परसेंट, कितने आपको टैक्स बनते हैं, कितने टैक्स जो है आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, ये आप असेस करते हो, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अब जो रूल्स एंड जो रेगुलेशंस हैं प्रिस्क्राइब किए गए हैं बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ता है। To illustrate the current assessment year 2021 is an assessee is required to pay tax in this assessment year on the income that was earned by him in the previous year 2019-20. आ रहा समझ में? 2021 में जब आप assess कर रहे हो तो 2021 का तो tax आप pay नहीं करोगे, आप पहले का assess कर रहे हो, 19-20 का आप कर रहे हो। 2021 में आप 19-20 का हिसाब कर रहे हो कितना रुपए आपने कमाए, और जितने रुपए आपको आपने कमाए उसके ऊपर फिर आपको टैक्स पे करने हैं, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, आई होप कि आपको जनरल एक आइडिया हो रहा होगा। सो एज अ प्रिकॉशन इट शुड बी प्रिंटेड आउट दैट सॉरी इट शुड बी पॉइंटेड आउट दैट देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल दैट इनकम अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर ओनली इज ओनली टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। उस एक्सेप्शंस का समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो आपका प्रीवियस ईयर है वही आपका असेसमेंट ईयर भी हो जाता है। समटाइम्स कोई अगर नई बिजनेस स्टार्ट हुई है तो उस केस में वो चीज
हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखना होगा। तो अभी अभी तक हम बात कर रहे थे असेसमेंट ईयर के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के बारे में कि प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है। नाउ इनकम टैक्स इज लीविड ऑन द नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट क्लियर, टू मेक क्लियर द मीनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। मैंने ऑलरेडी बताया हालांकि आपको, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 3 में 29 में देखो हमें ये पता चला, सेक्शन 3 में हमें ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, कहा ये गया है उसमें कि इन सिंपल वर्ड्स प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड एंड द रिसीव्ड एंड द ईयर इन विच इट इज टैक्स्ड इज टर्म्ड एज असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो साल जब आप पैसे कमाते हो, जब आपको पैसे कहीं ना कहीं से मिलते हैं, जब आप पैसे रिसीव करते हो, वो आपका प्रीवियस ईयर है। लेकिन जिस साल आप कैलकुलेट करते हो कि आपको कितने पैसे मिले और आपको कितने पैसे टैक्स पे करने हैं, उसको हम कहेंगे असेसमेंट ईयर। वही बात यहाँ पे बोली गई है। एज असेसमेंट ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, इट इज एसेंशियल टू एंड प्रीवियस ईयर प्रायर टू 1 अप्रैल और टिल 31 मार्च एवरी ईयर। तो जब आपका असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर आपका उसका एक दिन पहले खत्म होगा या उससे पहले खत्म होगा, आप बाद में तो उसको खत्म नहीं कर सकते, है ना। तो जब असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, तो हमारा प्रीवियस ईयर का एंड क्या होगा, 31 मार्च ऑफ दैट ईयर, पर्टिकुलर दैट ईयर, उसी साल का, ठीक है। प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। अब देखो यहाँ पे दो टाइम है, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर, दोनों को ही हम वर्क करते हैं। कैलेंडर ईयर आपको पता है 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी दिसंबर तक होता है। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट विचार कर रही है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी हमारा कैलेंडर ईयर की तरह ही हो, ऐसा विचार चल रहा है, श्योर नहीं है पर ऐसा हो सकता है। इन अदर वर्ड्स प्रीवियस ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months विच विल सर्टेनली एंड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल द पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर इज रिलेटेड टू द असेसमेंट ईयर 2020-21 एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो वही बात बोली गई, एग्जाम्पल के तौर पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई अगर 12 महीने का आपका साल है, तो 12वां महीना जब आपका स्टार्ट हो रहा है, जब आपका साल स्टार्ट हो रहा है असेसमेंट ईयर, उसके ठीक एक दिन पहले आपको आपका प्रीवियस ईयर जो है एंड करना पड़ेगा, और जो भी आपने इनकम उस टाइम पे कमाया होगा वो आपको खर्च वहां पे करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो असेसमेंट ईयर डिफरेंट डिफरेंट केस में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट ईयर हमारा डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है मैं एक करके बताता हूँ। सबसे पहला है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग मतलब ठीक उसके पीछे वाला, ठीक है। मतलब अगर मेरा अभी अभी अगर मैं चेक कर रहा हूँ 22-23 अभी चल रहा है, 22-23 में अगर मैं मेरा असेसमेंट ईयर है, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा, मेरा प्रीवियस होगा ईयर होगा 21-22 मेरा असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर मेरा 21-22, वही बात यहाँ पे बताई गई है। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका 19-20 असेसमेंट ईयर है, तो आपका अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, तो आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 20-21 होगा। जहां ये खत्म हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, 20-21 से ही आपका शुरू हो जा रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर फॉर एवरी सोर्स ऑफ इनकम, सो प्रायर टू असेसमेंट 2007-8 के पहले एक चीज होता था, वो देखो क्या है, द असेस्ड हैड द ऑप्शन टू चूज एनी प्रीवियस ईयर, ठीक है। पहले क्या होता था कि लोगों के पास ये मौका हुआ करता था कि वो लोग अपना प्रीवियस ईयर अपने हिसाब से चूज कर सकते थे, या तो वो लोग दिवाली ईयर मान लेते थे या दशहरा ईयर मान लेते थे। दिवाली ईयर का मतलब क्या है कि दिवाली जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन से लेकर के अगले साल की दिवाली तक, तो वो आपका दिवाली ईयर हो गया। दशहरा ईयर भी उसी तरीके से है ना। तो ये एक तरीके से फेस्टिवल के अकॉर्डिंग जो है ये लोग अपना टैक्स जो है कैलकुलेट करते थे असेसमेंट ईयर और अपना प्रीवियस ईयर उसको कैलकुलेट करते थे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। बट आफ्टर 2007-8 क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा, फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 मार्च से लेकर के स्टार्ट होगा और वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक आपका चलेगा, ठीक है ना। तो ये बात स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे, लेकिन दिवाली ईयर, दशहरा ईयर, कैलेंडर ईयर ये सब हुआ करते थे। बट एट प्रेजेंट नो एसएससी कैन चूज सेपरेट प्रीवियस ईयर अंडर द डायरेक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1987, लेकिन अब ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। Thus, amendment came into force in assessment year 1989-90. Now, every source of income, it is essential to have only one previous year. सबको अपना सिर्फ एक ही previous year को एक तरीके से दिमाग में रख करके उसको जो है अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका उस तरीके से होता है ना। तो previous year for every source of income आपका जो है different different नहीं हो सकता,
आपको किसी एक प्रीवियस ईयर को ही मान करके अपना अकाउंट कैलकुलेट करवाना होगा, टैक्स कैलकुलेट करवाना होगा। अगला है सेपरेट अकाउंट ईयर, ठीक है। सो इफ एन एसएससी ड्यू टू एनी रीजन डज नॉट कीप अकाउंट्स ऑन द फाइनेंशियल ईयर बेसिस बट कीप्स ऑन एनी अदर बेसिस। अब सपोज कोई एसएससी है जो कि अपना फाइनेंशियल अकाउंट जो है अपना अकाउंट को जो है फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर उसमें कैप्ट नहीं कर रहा है या संभाल के नहीं रखा है ना, उसमें किसी और तरीके से एक तरीके से कैलकुलेशन जो है किया है, लेकिन बट ही मस्ट हैव हिज अकाउंट अप टू 31 मार्च एवरी ईयर सेपरेटली। लेकिन उसने हर साल का जो है अपना कैलकुलेट करके रखा हुआ है 31 मार्च तक का, है ना, तो वो टाइम ठीक फॉलो कर रहा है लेकिन अकाउंट जो है वो हर चीज के लिए अलग अलग कर रहा है, जबकि उसके पास सेम होना चाहिए था लेकिन वो अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, Does the SSC will have to keep accounts two times? उसको जो है दो तरह का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, आई मीन करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए मोस्ट ऑफ द SSC अब क्या करते हैं, वो लोग 1st अप्रैल से लेकर के 31st मार्च तक का जो टाइम पीरियड है उसी पीरियड में वो लोग जो है करते हैं। आई होप कि थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। सेपरेट अकाउंट ईयर का मतलब है कि आपको सेपरेट नहीं करना है, आपको एक ही में करना है, बट इनकेस अगर आप सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो भी आपको दोनों को मेंटेन करके 31 मार्च को आपको उसको खत्म करवा देना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस। अब कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, मैं इसी की बात कर रहा था, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, है ना। अब सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है जुलाई के महीने में, आपका फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1st अप्रैल से, लेकिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया जुलाई या दिसंबर के महीने में मान लो, तो भी आपका जो ईयर एंड है वो 31 मार्च को करेगा। इसका मतलब आपका प्रीवियस ईयर 3 महीने या 6 महीने या 9 महीने का था, तो क्या हम उसको प्रीवियस ईयर नहीं बोलेंगे? जी हाँ, हम उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे, ठीक है। सो इफ अ बिजनेस और प्रोफेशन इज स्टार्टेड ऑन एनी डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कुछ भी हो सकता है, ड्यूरिंग द 1st अप्रैल से लेकर के 31 मार्च अगर वो किसी भी डेट पर स्टार्ट होता है, इट्स ड्यूरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसिंग द बिजनेस टू नेक्स्ट 31 मार्च विल बी ट्रीटेड एज प्रीवियस ईयर। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उसने अपना बिजनेस जुलाई से स्टार्ट किया तो 3 महीना निकल गया, उसने अपना बिजनेस 9 महीने किया है प्रीवियस ईयर में तो 9 महीने का ही उसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो ये नियम है। फॉर एग्जाम्पल अमित कमेंसेस इज बिजनेस ऑन 30th जनवरी 2020। सपोज उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 30 जनवरी 2020 से, तो जनवरी तो पूरा निकल गया, खत्म कब हो रहा आपका फाइनेंशियल ईयर, मार्च में खत्म हो रहा, 31 मार्च को। मतलब आपका बिजनेस कितने दिनों तक चला, जनवरी निकल गया तो फरवरी और मार्च 2 महीने तक चला, तो 2 महीने का जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वही आपका प्रीवियस ईयर होगा, 2 महीना ही आपका प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है द प्रीवियस ईयर ऑफ द बिजनेस शैल बी ट्रीटेड फ्रॉम 30th जनवरी टू 31st मार्च 2020, है ना। तो 30th जनवरी खत्म ही मान लो तो फरवरी और मार्च 2 महीना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पांचवा नंबर पॉइंट है प्रीवियस ईयर फॉर अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम। अब सपोज आपका कोई नया सोर्स ऑफ इनकम है तो उस केस में आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, ठीक है। नाउ द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ न्यू सोर्स ऑफ इनकम टू द नेक्स्ट मार्च विल बी ट्रीटेड एज प्रीवियस ईयर फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। आप कोई नया इनकम है, मान लो कोई नया इनकम है जो कि साल के बीच में आपको मिल रहा है, शुरू से नहीं मिल रहा था, तो उस केस में भी आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च को एंड हो जाएगा, भले ही वो आपका इनकम कभी भी स्टार्ट हुआ, जरूरत नहीं है कि वो शुरू से ही चला हो, बीच में भी अगर वो इनकम आपको कहीं से मिल रहा है तो वो इनकम आपका जो है उसी साल का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसी में वो फिर एड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर राकेश अ बैंकर ऑफिसर लेट्स हिज हाउस रेंट के लिए वो देता है 1st जनवरी 2020 को, उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1st जनवरी 2020 से लेकर के 31st मार्च 2020 तक होगा। तो इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साल चेंज हो जाए, इनकम के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज नहीं होता है, इनकम को बस आपका जब भी होगा आपको उसको अपने टोटल इनकम में शो करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर फॉर न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, वही होगा जो बाकी सबके लिए है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड मनी, ऐसा मनी जो कि आपने अभी तक बताया नहीं है, अनडिस्क्लोज मतलब जो कि आपने गवर्नमेंट से छुपा करके रखा था। तो सपोज आपके पास कई साल का पैसा बचा हुआ है तो जब भी आप उसको डिस्क्लोज करोगे वही आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर आपका वही बन जाएगा। अब वहां पे कितने पैसे हैं फर्क नहीं पड़ता, जो भी पैसे होंगे जितने भी टैक्स आपको बनेंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इफ एन इनकम टैक्स ऑफिसर फाइंड्स एनी अनडिस्क्लोज्ड मनी इन केस ऑफ पर्सन अकाउंट फॉर विच ही डज नॉट एक्सप्लेन इट्स सोर्स Satisfactorily, it is called undisclosed or unexplained money. अगर आपसे पूछा जाए कि undisclosed या फिर unexplained money क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। This is considered SSC's income.
अगर आपका कोई ऐसा इनकम पता चलता है इनकम टैक्स ऑफिसर को जो कि आपने छिपा करके रखा था, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एसएससीज इनकम कहेंगे। द प्रीवियस ईयर शैल बी प्रीवियस ईयर फॉर द इनकम शैल बी द सेम एज इन द केस ऑफ द बिजनेस इन विच दिस अनएक्सप्लेन इनकम इज फाउंड। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आपके लिए वही हो जाएगा जिस भी ईयर में आपका ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम सबके सामने निकल करके आएगा। सपोज अनडिस्क्लोज इनकम जो है पिछले 5-6 साल का पैसा वहां पे जमा है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को इस साल पता चला, तो अगले साल जब टैक्स कैलकुलेशन होगा तो वो इसी साल का सारा इनकम जो है, जो भी मैंने अनडिस्क्लोज रखा था, वो इसी साल के इनकम में उसको ऐड कर देगा और उसके ऊपर जो है फिर से टैक्स लगेगा। समझ रहे हो आप, इस तरीके से होता है। सातवां नंबर पॉइंट है प्रीवियस ईयर फॉर द शेयर इन फर्म और इन फर्म्स प्रॉफिट। ठीक है, सो इन दिस केस प्रीवियस ईयर ऑफ द फर्म्स विल बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज द प्रीवियस ईयर, है ना। तो फर्म का जो बिजनेस है ईयर है, प्रीवियस ईयर जो है फर्म का, वो ट्रीट किया जाएगा एज हिट्स प्रीवियस ईयर। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रीवियस ईयर फॉर द शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट, है ना। उस केस में आपका प्रीवियस ईयर जो है 31 मार्च तक का, उसी को माना जाएगा। ठीक है, कुछ अलग से नियम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पढ़ के दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और एक बात तो पक्का क्लियर हो गया होगा कि सबका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च को खत्म होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको इनकम कहाँ से मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका एक तरीके से बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका 31 मार्च को आपका बिजनेस आपका जो है या प्रीवियस ईयर खत्म होता है और असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है, और असेसमेंट ईयर में आप प्रीवियस ईयर के टैक्सेस को कैलकुलेट करते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।